नमस्कार, पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जहां गहलोत सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं हार को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आने का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कटारिया के इस्तीफे की जानकारी से इनकार किया है और कहा है कि पार्टी हार को लेकर चिंतन कर कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे गोपाल सिंह इटवा ने इसको बीजेपी की साजिश और व्हाट्सएप की अफवाह बताकर इस पर ध्यान न देने की सलाह दी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि जब ऐसी स्थितियां सामने आती हैं तो अपनी रणनीतियों का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो कोई बात हुई नहीं, न कोई पुष्ट समाचार अभी तक इस तरीके का मिला है कि किसी ने भी इस्तीफा दिया हो। मैं ये मानता हूँ कि जब सारा फैसला हमने राहुल जी पे छोड़ दिया है, राहुल जी ने इस्तीफा देने की जो अपनी इच्छा प्रकट की उसको सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नहीं नकारा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी नकारा है और देश का आम कांग्रेस जन वो राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा है, उनको मजबूत देखना चाहता है, कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है। अब आप, मेरा आपसे निवेदन है कि इन दिनों में व्हाट्सएप के आधार पर आप खबरों पर ध्यान मत दें, किसने कहा कहा, किसने क्या कहा, झूठ के पुलंदे इधर से उधर भारतीय जनता पार्टी ने चलाना शुरू किया है और वो उसी आधार पर ये व्हाट्सएप के माध्यम से जनता में इस प्रकार की भ्रमित करने की कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, राहुल जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस मजबूती से पूरे देश की कांग्रेस संगठित है। कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा पूरे देश में और जब ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं तो सब कुछ रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, बैक टू ड्रॉइंग बोर्ड जाते हैं और अपनी सारी रणनीति को पुनर्निर्माण किया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने सबको अपने हौसले को बनाए रखने की अपील की है और कार्यकर्ताओं से कहा है कि फिर हम लोग एकजुट होंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के हितों की बात करेंगे, विपक्ष का दायित्व निभाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस आने वाले समय में अपने वजूद को पुनर्स्थापित करेगी। हालांकि करारी हार के बाद कांग्रेस खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल राजस्थान में 25 में से 25 का दावा करने वाली कांग्रेस के सिफर तक जाने से पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी आग बबूला हैं, तो वहीं प्रदेश के नेताओं में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। जाने उनका काम जाने, मेरे को क्या इसमें लेना देना है। लाल चंद जी, अब मैं तो नहीं, तो मुझे पता कि दिया है कि नहीं दिया, तो मैं क्यों इसे लफड़े पड़ूं, मेरा कोई उसमें नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, दिया नहीं दिया ये भी मुझे जानकारी नहीं है। उनके फैसले को आप सही मानते हो गलत मानते हो? उनका काम उनका है, वो जाने उनका काम जाने, सही सही वो जाने, गलत है तो वो जाने, मेरा आप सुनकर चले गए। ये सब भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ भ्रम है। मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान कांग्रेस में कहीं से कहीं तक कोई फूट नहीं है। हम लोग जो परिणाम आए हैं उसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक हम सब लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। इस हार की हम लोग जिम्मेदारी भी लेंगे और इस हार को जीतने बदलने की लड़ाई भी लड़ेंगे। और हमारे जिन मंत्रियों के बारे में आप कही जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में जो वसुंधरा बिगाड़ के गई है राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट देकर जिस तरह जनता पर अत्याचार हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज में, उन सब स्थितियों को बदलने का हमें टाइम तो दीजिए आप। हाँ, इस समय पूरे देश में ही जो है हम देखते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आए हैं सामने। और ये भी देखने में आता है, जैसे राजस्थान में अगर हम बात करें तो 20 से ज़्यादा सीटों पर जो हार का अंतर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है वो काम करता है। लेकिन अगर हम जयपुर में देखते हैं तो जयपुर में 2014 में कांग्रेस को 3,24,000 वोट मिले और इस बार 4,93,000 के आसपास वोट मिले, मतलब 1,70,000 वोट बढ़े हैं। जो लीड पिछली बार 5,39,000 की बीजेपी को थी वो इस बार कम होकर के 4,30,000 के आसपास हो गई, मतलब 1,00,000-1,25,000 के आसपास वो लीड भी कम हुई है। यानी कि जो हम पूरे उसमें देखते हैं मोदी फैक्टर, वो मोदी फैक्टर जयपुर में तो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है, लेकिन फिर भी अगर इतनी बड़ी हार हुई है तो कांग्रेस पार्टी को एनालिसिस करना चाहिए। उधर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के इस्तीफे ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। इस बीच बीएसपी विधायकों ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। आज शाम 5 बजे इन विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खरेसिया के अस्वस्थ होने के चलते टाल दिया गया। हालांकि बीएसपी राज्यपाल से प्रस्तावित मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बता रही है, लेकिन मुलाकात की टाइमिंग को लेकर सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
और प्रदेश में मचे हाहाकार और कांग्रेस सरकार को लेकर उठते सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हार से नहीं निराश है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। सर, सीडब्ल्यू सी की जो बैठक में कहा गया कि राहुल गांधी नाराज थे और खास करके कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बेटों का जो चुनाव लड़ना उसको लेकर के खबरें छप रही है। देखिए, खबरें तो छपती रहती है और कौन सी बात किस संदर्भ में होती है वो संदर्भ बदल जाते हैं मीडिया के अंदर आकर के। मीडिया में संदर्भ बदल जाते हैं और जब संदर्भ बदल जाता है तो जो न्यूज छपती है उसके दूसरे मायने निकलते हैं। ये पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं और राहुल गांधी जी को अधिकार है कहने का, क्योंकि वो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको सब अधिकार है कि किस नेता की कहाँ कमी रही कैंपेन के अंदर, किस नेता की कहाँ निर्णय में कमी रही, वो ऐसे वक्त में जब पोस्टमार्टम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की ये अधिकार उनका है, स्वाभाविक है वो कमियाँ बताएंगे सबको। हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किए हैं, पर जो बातें अखबार में आती हैं कि संदर्भ में कही गई है वो संदर्भ जब ख़त्म हो जाते हैं तो जो बात छपती है या सुनते हैं रेडियो में या टेलीविज़न देखते हैं तो संदर्भ को हटके जो बात होती है उसके मतलब दूसरे निकल जाते हैं, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, इतना मैं कह सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं उस लापरवाही की जिससे बचने के लिए जिम्मेदारों को एक दो नहीं बल्कि कई बार आगाह किया गया लेकिन हादसा हो ही गया। का गुबार, लोगों में हाहाकार, कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? जी हाँ, धुएं से आसमान काला है, चारों तरफ हड़कंप मचा है, लोग बदहवास होकर घरों से बाहर निकल आए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी है। अफरा तफरी का ये मंजर जयपुर का है जहाँ वीकेआई बढ़ारणा इलाके में पेस्टिसाइड्स के गोदाम में आग लग गई, वो भी इतनी भीषण कि आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। पेस्टिसाइड्स का गोदाम होने की वजह से जहरीली गैस ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है लेकिन आग लगने के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार शिकायतों के बावजूद भी ये फैक्ट्री और गोदाम यहाँ चलता रहा, जबकि निगम, जेडी और पुलिस को बार बार मामले की जानकारी और शिकायत दी जा चुकी थी। हाईकोर्ट में केस चल रहा है इनका, आवासीय कॉलोनी कटी हुई है फिर भी ये नाजायज फायदा उठा के बार बार इनके कनेक्शन कटने का आदेश आ चुका है इनके, और जेडीओ से भी नोटिस आ चुका है इनके बंद करने का, लेकिन ये लोग पैसे से बार बार इसको दबा देते हैं, बात को थाने में पैसे दे देते हैं और हर जगह आती जहाँ आते हैं वहीं रुकवा देते हैं इसको। इसमें तो ये समझ लो कई आत्म गोदाम है, इसमें मेडिकल की भी गोदाम था और भी ज्वलनशील पदार्थ भी थे, समझिए रियर में तो मालूम जब पड़े जब आग पूरी कंप्लीट हो करके। जाहिर है जैसे तैसे आग तो बुझ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि जब अवैध रूप से चल रहे फैक्ट्री की जानकारी प्रशासन को दी गई तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा था, रिहायशी इलाकों में केमिकल फैक्ट्री चलाने की परमिशन क्यों दी गई? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल प्रशासन के पास नहीं है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ी अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चितकुट थाना पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें सुझाव सावधानियों के साथ जनता से अपराध के रोकथाम में पुलिस की मदद करने की अपील की गई है ताकि अपराध की घटनाओं में नियंत्रण लाया जा सके। वहीं पोस्टर का विमोचन DCP विकास शर्मा ने किया जिनके साथ एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत और SHO भी मौजूद रहे। सूरत कांड के बाद खुली जयपुर नगर निगम की नींव, फायर सेफ्टी को लेकर एक्शन में जयपुर नगर निगम। जयपुर नगर निगम फुल ऑन एक्शन में है, फायर सेफ्टी को लेकर पिंक सिटी में जगह जगह मुहिम चला रहा है। जॉइंट टीम शहर में कोचिंग सेंटर्स से लेकर दूसरे कॉमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की जांच कर रही है। कमिश्नर साहब को एक नोट लिख दी है कि एक टीम बना के और पूरे जयपुर शहर में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग हैं, इनकी सबकी जांच करा लें और उसमें ये ही नहीं जो फायर से संबंधित मैटर ही नहीं सारी चीज़ें दिखवा लें, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो
और भी कोई चाहे यूनिट टैक्स की व्यवस्था हो, जो हमारे निगम से संबंधित जितने भी लाइसेंस उनको मिलने हैं, उनकी जो हम मॉनिटरिंग करते हैं उन सबको दिखवाया, ये हमने आज एक नोट शीट उनको भेजी है। जो हमारी टीम मौके पर गई है उसमें न केवल हम फायर से संबंधित उपकरणों का तो निरीक्षण कर ही रहे हैं और फायर एमर्जेंसी की जो टर्म्स जो निर्देशानिर्देश हैं उनकी पालना हो रही है नहीं उसका निरीक्षण कर, इसके अलावा हम ट्रैफिक हैजार्ड अगर वहाँ कोई है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से तो हमने ट्रैफिक पुलिस से भी इसमें सहयोग मांगा है, और कोई एनक्रोचमेंट्स अगर उस क्षेत्र के अंदर हैं कि किसी घटना के समय अगर इवैक्यूएशन करना हो और वहाँ अगर एनक्रोचमेंट हुए या ट्रैफिक हैजार्ड हुआ तो भी कई समस्याएं आती हैं, तो इन सभी का समग्र रूप से ही हम निरीक्षण करवा रहे हैं और इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि शायद सूरत कांड के बाद जयपुर नगर निगम नींद से जाग गया, तो आप गलत हैं। जो जांच अभियान जो महकमा चला रहा है उसके महकमे के अंदर भी जो व्यवस्था है फायर फाइटिंग की वो पुख्ता नहीं है। जयपुर के मेयर विष्णु लाटा का जो चैम्बर यहाँ पर बना हुआ है, इसी चैम्बर के बाहर अभी मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर यदि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ जो यहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी यदि स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो यहाँ पर आपको दिखेगी। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि वो आपको आकर यहाँ पर जो इसकी डेट है वो दिखाए। 4 मार्च 2018 को इसको यहाँ पर रिफिल किया गया था और इसकी ड्यू डेट जो है वो 3 मार्च 2019 थी, यानी कि 3 मार्च 2019 को ये खत्म हो चुका है। उसके बाद में इसको वापस से यहाँ पर रिफिल नहीं करवाया गया है, यानी कि महज दिखाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरीके से दूसरी तरफ यदि मैं आपको ले जाकर इसी मेयर चैम्बर के बाहर की तस्वीर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डेट है इसकी वो 10 मार्च 2018 थी रिफिल की, और उसके बाद में ड्यू डेट 9 मार्च 2019 थी, लेकिन इसको भी नहीं भरवाया गया, वापस से रिफिल नहीं करवाया गया। कहते हैं चिराग तले अंधेरा, अब जब कैमरे में तस्वीर कैद हो चुकी है तो जयपुर नगर निगम के कमिश्नर जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। नहीं, अगर निगम में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स जो लगे हुए हैं उनके तो ड्यू डेट निकल गई है तो उनको भी हम रिप्लेस करवाएंगे। साफ है जब जयपुर नगर निगम में ही फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं तो शहर की व्यवस्था कैसी है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जयपुर से न्यूज 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चित्रकूट थाना पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें सुझाव सावधानियों के साथ जनता से अपराध की रोकथाम में पुलिस की मदद करने की अपील की गई है ताकि अपराध की घटनाओं में नियंत्रण लाया जा सके। वहीं पोस्टर का विमोचन DCP विकास शर्मा ने किया जिसके साथ एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत और SHO भी मौजूद रहे। जो लोगों तक पहुंचाने का जो दायित्व है उसको पूरा करने की जो है कोशिश है, इसमें लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किस किस तरह से उनके साथ जो यहाँ थाना स्पेसिफिक बातें हैं किस घटनाएँ हो सकती हैं। जैसे अभी छुट्टियों का समय चल रहा है इसमें लोग कई बार बाहर जाते हैं तो पीछे से घर में चोरी हो जाती है, तो उन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, उन चीज़ों में अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है उसकी एक पहल की गई है। और आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं के ने जो नेहरू के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पंडित नेहरू के बताए आदर्शों पर चलने का प्रण भी लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंडित नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान उसको कम नहीं किया जा सकता, उसको बुलाया नहीं जा सकता। उनकी सोच थी, उनका एक विजन था जिससे देश आगे बढ़ा है। जब देश आज़ाद हुआ था तब देश में सुई भी नहीं बनती थी, देश के लोगों के पास पैसा नहीं था, देश के उद्योगपतियों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में देश का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती थी। देश में संविधान बनाना, देश को एक लोकतंत्र देना, उसके पीछे भी पंडित नेहरू की एक बड़ी सोच थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी कांग्रेस जनों ने अपना श्रद्धा सुमन समर्पित किए और साथ ही साथ वो संकल्प भी लिया जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो सिद्धांत है जिसमें मानवता के मूल्यों की संरक्षण साथ ही साथ सर्वधर्म सद्भाव और समरसता का संचार करना है, समतावादी समाज की सोच को प्रतिपादित करने की बात है और सबको एक साथ लेकर के देश के निर्माण की एक सोच उसमें निहित है। इन सब आदर्शों को हम सब ने हमेशा आत्मसात भी किया है।
और जयपुर की रेलवे कॉलोनी में आज से दो दिवसीय चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला का नाम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डीलिंग विद चिल्ड्रेन इन कॉन्टेक्ट विद रेलवेज रखा गया है। इस कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन पर लावारिस बच्चों को रेस्क्यू करना और उन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाना प्राथमिकता में शामिल है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे पुलिस, टीटीई, कुली या फिर रेल यात्री सबको इस कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी लावारिस बच्चा रेलवे स्टेशन या बोगी में मिलता है तो उसके साथ सबसे पहले व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों जो हमारे स्टेशन्स पे घूमते रहते हैं, जो अपने घर से परिवार से अलग है और जो कि जिनको ज़रूरत है केयर और प्रोटेक्शन की, तो उस पर हम ये सेमिनार कर रहे हैं कि इस जो बेचारे अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं उनको किस तरह से उनकी ज़िंदगी को और ठीक किया जा सके, उनके परिवारों के साथ उनको दोबारा उनको रीयूनाइट किया जा सके। हमारा प्राइम फोकस यही होता है कि सबसे पहले हम बच्चों को उनके परिवार से। और राजस्थान पुलिस दिवस समारोह सोमवार को प्रदेश भर में बड़े उत्साह से मनाया गया। राजधानी जयपुर के चंदबोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 415 पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों को सेवा चिन्ह देकर सम्मानित किया। कहते हैं हौसला हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता, ऐसी ही एक मिसाल है जयपुर के शमशाद खान साहब। शरीर से पूरी तरह माजूर होने के बाद भी वो आज पूरे रोजे रखते हैं और उसके साथ परिवार की तमाम जिम्मेदारियां निभाते हैं। बेमिसाल है शमशाद खान, युवाओं के लिए मिसाल है शमशाद। 80% शरीर से है माजूर, फिर भी भीषण गर्मी में भी रखते हैं रोजा। जिस्मानी कमी भी शमशाद खान के रोजा रखने के जोश को रोक नहीं पाई। दोनों पैरों से माजूर है, ठीक से चल नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, हार्ट के पेशेंट है और भी कई बीमारियों ने इन्हें अपनी इज्जत में ले रखा है, लेकिन खुदा की इबादत में कोई कमी नहीं आई। रमजान का तीसरा अशरा चल रहा है, तापमान भी 44 के पार जा पहुंचा है, लेकिन दाद देनी होगी शमशाद के उस हौसले को जो 80% हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी रोजा रखने से रोक नहीं सके। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो रोजा रखते हैं और उसके साथ इबादत के तमाम फराइज अदा करते हैं। शमशाद खान अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है इंसानियत के लिए, उन लोगों के लिए जो रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं। 13-14 साल है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये हड्डियाँ मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, बैठ नहीं सकता मैं, या तो सीधा लेटता हूँ, दो जने पकड़ के लिटा देते हैं। काफ़ी दुश्वारी आती है वजू करने में भी, गुसल करने में भी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि उसकी जो रस्सी पकड़ी है उसकी बरकत से आज अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे रखी है। पिछले 14 साल से शमशाद की हालत ऐसी ही है, वो रेयर डिसीज से पीड़ित है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। शमशाद एंकलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस से जूझ रहे हैं। 14 साल से 80% जिस्म हैंडीकैप्ड हो चुका है, पूरा जिस्म ठीक से काम नहीं कर पा रहा। शमशाद बीमारी की वजह से बैठ नहीं सकते, शमशाद के दोनों पैर मुड़ नहीं सकते, दो लोगों की मदद से लेट पाते हैं, हार्ट पेशेंट समेत कई बीमारियों से भी पीड़ित है, लेकिन जोश और जुनून में कोई कमी नहीं। शमशाद अपनी इस हालत का रोना नहीं रोते। 3 बेटियों के पिता शमशाद पूरी जिम्मेदारी से अपना परिवार चला रहे हैं। शमशाद का ये भी कहना है कि वो दिखावा नहीं करना चाहते, लेकिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान इरादा मजबूत कर ले तो कुछ भी कर सकता है। शमशाद की कहानी से ये भी संदेश जाता है कि हालात जितने भी खिलाफ क्यों न हो, स्पिरिचुअल एनर्जी से भी नामुमकिन हालात का सामना किया जा सकता है। माह रमजान के अंदर हजारों जो यूथ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी रोजे रख रहे हैं, लेकिन अपने आप में शमशाद एक मिसाल है जो कि पिछले 14 साल से तमाम परेशानियों के बावजूद मुसलसल रोजे भी रख रहे हैं और अपनी नमाज भी पाबंदी से अदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट न्यूज 18 राजस्थान .com। नमस्कार।